दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम वगैरह बता रखे हैं, हम वो डायग्राम कवर करेंगे और साथ के साथ कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट को भी कवर करेंगे चैप्टर के। देखो सेल साइकिल यूकैरियोटिक सेल में कंप्लीट होती है 24 आवर में, जबकि ये टाइम अगर रजिस्टर में पूछ ले जाए तो जस्ट 90 मिनट है। सेल साइकिल इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट इन 24 आवर, व्हाइल इन यीस्ट कंप्लीट जस्ट इन 90 मिनट। सेल साइकिल इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंप्लीटेड इन 24 आवर, जबकि अगर यीस्ट में देखा जाए तो इन यीस्ट, ये एनसीईआरटी में लाइन है दोनों जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन यीस्ट कंप्लीट जस्ट इन 90 मिनट, जस्ट इन 90 मिनट। सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, इंटरफेज और पहला है इंटरफेज एंड दूसरा है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज। इंटरफेज फर्दर डिवाइड है कुछ फेजेस में, जैसे G1, S एंड G2 एंड एम फेज, इसमें आ जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है एंड S फेज DNA का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे, एंड G2 में सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। फेज जो जीवन है, जीवन फेज, इसमें क्या होता है, सेल कंटिन्यूसली एक्टिव एंड ग्रो करती रहती है एंड सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है एंड फेज बिटवीन एम फेज और एस फेज। जीवन इज़ द फेज बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, जबकि एस फेज इज़ द फेज बिटवीन जीवन एंड G2 एंड G2 इज़ द फेज बिटवीन एस फेज और एम फेज। क्वेश्चन है अब विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, तो G1 और C हो जाएगा S, G2 और M फेज। तो G1 S G2 M कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, पहले में हमको दे रखा है G2 M G1 S, ये तो नहीं होगा। दूसरा में S से स्टार दे रखा है, ये भी नहीं होगा। G1 S G2 M तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंड यहाँ पे M से दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर अपना हो जाएगा इसमें C, G1 S G2 और M, G1 S G2 एंड M, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें C। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी और डी इन द गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम डिपिक्टिंग सेल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी डी को हमको बताना है, ए बी, बी है जीवन, बी जीवन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ ए में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में, बी में दे रखा है एस, सी में दे रखा है G0 और यहाँ पे डी में भी G0, तो अपना आंसर आ जाएगा सिर्फ बी से, अपना आंसर आ रहा है ए आंसर है इसमें, ए G0 है, बी G1 एंड सी एस एंड डी G2, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद एक डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्टेज ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज, टीलोफेज। क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सेल साइकिल इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट इन 24 आवर एंड सेल साइकिल इन यीस्ट कंप्लीट जस्ट इन 90 मिनट। तो क्वेश्चन है अपना पहला, यीस्ट सेल डिवाइडेड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 90 मिनट, 9 मिनट, 24 आवर या 24 डेज, तो 90 मिनट इसमें अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन सेल इन कल्चर सो ए सेल साइकिल टू बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली 42 घंटे, 42 आवर, 24 आवर, 24 मिनट, 24 सेकेंड। तो सेल साइकिल इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट इन 24 आवर, तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें बी। एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों आ सकती है एग्जाम में, तो दोनों को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन स्टेज ऑफ द माइटोसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इन चारों स्टेज को पहचानना है और अपना ए बी सी डी इनमें से कौन सा आंसर है ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो ए एनाफेज है, एनाफेज, एनाफेज सिर्फ सी ऑप्शन में दे रखा है ए में,
ए में यहाँ प्रोफेज दे रखा है, यहाँ मेटाफेज और यहाँ भी प्रोफेज, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी भी एंड अपना डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सिर्फ सी बचता है, अपना आंसर हो जाएगा सी, बी मेटाफेज, सी प्रोफेज एंड डी टीलोफेज। अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड। साइनेप्टनमल कॉम्प्लेक्स, इसका हो जाएगा जाइगोटिन, रिकॉम्बिनेशन नेड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पेकाइटिन एंड टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, डाइकाइनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ डायट सेल टीलोफेज वन। तो ए का दूसरा, बी का पहला एंड सी का चौथा और डी का तीसरा, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। साइनेप्टनमल कॉम्प्लेक्स ये देखने को मिलता है जाइगोटिन स्टेज में एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पेकाइटिन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा डाइकाइनेसिस में एंड फॉर्मेशन ऑफ डायट सेल टीलोफेज वन। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा एंड डी का तीसरा, ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड, क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर। तो ये आ जाएगा अपना मेटाफेज ए का फोर। ए का फोर कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें, सी में, एंड सेंट्रोमेर स्प्लिटेड एंड क्रोमोसोम मूव अपार्ट, सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम क्रोमेटेड मूव अपार्ट, तो ये हो जाएगा अपना बी का तीसरा, एंड सी पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम जाइगोटीन एंड क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम, तो यह आ जाएगा अपना पेकार्डिन स्टेज। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेल साइकिल डिवाइड होती है इंटरफेज में, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड है G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में, G1, S एंड G2। एंड माइटोसिस इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है एंड सेल कंटिन्यूसली एक्टिव एंड ग्रो करती रहती है। S फेज DNA का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे सेंट्रोल का डुप्लीकेशन होता है। एंड S फेज इज द फेज बिटवीन G1 एंड G2, जबकि G1 फेज इज द फेज बिटवीन M फेज एंड S फेज। G2 प्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पर होती है एंड सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस इन G2 फेज। एंड G2 फेज इज द फेज बिटवीन S फेज एंड M फेज। इस वीडियो में हम लोगों ने सेल साइकिल के कुछ पॉइंट्स को कवर कराया चैप्टर के, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।